इसके आपको अच्छी क्वालिटी का दूध भी मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का दूध भी मिलेगा। आपने देखा ही है कैसे मोबाइल एटीएम से कंज्यूमर तक वैन पहुंच जाएगी, तो उनको ज़्यादा दूर तक जाना नहीं पड़ेगा, डोर टू डोर डिलीवरी हो जाएगी। और दूसरा है पर्यावरण की दृष्टि से, हम जो प्लास्टिक में जो दूध पैक करके जो देते हैं, तो प्लास्टिक का इसमें उपयोग नहीं होगा, तो बिना प्लास्टिक वाला पर्यावरण के लिए भी अभी ज़रूरी है। और ये कंज्यूमर को सीधा पेमेंट के लिए सुविधा है, RFID कार्ड से पेमेंट करके वो जितनी भी क्वांटिटी में चाहिए, जितने भी रुपए का चाहिए, वो सिलेक्ट करके इससे अपने घर में दूध उनको अच्छी क्वालिटी का दे ले सकते हैं। प्लांट लगाया है, प्लांट तो लगा हुआ है, प्लांट हमारा दूध चल ही रहा है, प्लांट का इसमें कोई आई नहीं, मोबाइल वैन है उसमें दूध आएगा कंज्यूमर को। रेट वही है जो दूध आपको मिलते हैं, आप MD साहब से बात करेंगे। बहुत है मार्केट के अंदर, किस तरह का दूध है, फुल क्रीम है, क्या है अपने दूध की? सारे क्वालिटी का दूध मिलेगा, आप ज्यादा सहज से डिटेल ले सकते हैं, सारे जो आपको दूध मिलते हैं वही क्वालिटी का दूध मिलेगा। सर क्या ये माना जाए कि ये अपने आप में 10 जिलों में पहली ऐसी मिल्किंग? हाँ, अभी तो इस जगह पे ऐसी पहली मोबाइल ATM की सुविधा है, ऐसा किसी कोई कॉम्पिटिटर का है नहीं दूध। हम मदर डेयरी का दिल्ली में आपने देखा होगा बूथ से दूध देते हैं, जो प्लास्टिक को हमको कम करना है वो उसका मेन उद्देश्य है, तो यही चीज़ अभी हम यहाँ पे भी लेके आए हैं। और जैसे भी कंज्यूमर का फीडबैक जितना भी अच्छा रहेगा, वैसे और भी हम ऐसे मोबाइल वैन चालू करेंगे। ठीक है।